हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आपकी यूनिट 3 कंप्लीट हो गई है। देन अब आपका यूनिट 4 है, ठीक है। इंटरप्रेन्योरियल स्किल्स, इसका मतलब होता है उद्यमिता स्किल्स। इट्स मीन्स ये बिजनेस से रिलेटेड टॉपिक है, ठीक है। तो इसका मतलब होता है कि हमें इसमें एक ऐसा पर्सन होगा जो कि बिजनेस के लिए फाइनेंशियल रिस्क लेता है। क्यों? क्योंकि उसे होप होती है कि उसे प्रॉफिट होगा। यानी अगर आप कोई बिजनेस स्टार्ट करने जाते हैं तो आप इसी आशा के साथ स्टार्ट करते हैं कि जो हम बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं वो हमारा आगे चल करके हमें इसमें कई सारे प्रॉफिट होंगे, हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो वहीं से रिलेटेड ये टॉपिक है। तो इसमें आइडेंटिफाई वेरियस टाइप ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज़, तो आप बिजनेस एक्टिविटीज़ कौन कौन सी करेंगे उसमें कई सारे टाइप्स होते हैं, उसके बारे में आपको डिस्क्राइब किया गया है। बिजनेस एक्टिविटीज़ आर दोज विच आर कंसर्न्ड विद द सीकिंग मीट द नीड्स ऑफ कस्टमर्स बाय प्रोवाइडिंग अ प्रोडक्ट सर्विस एंड दे रिक्वायर। यानी जो भी आप बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो आप सबसे पहले क्या देखते हैं कि कस्टमर की क्या रिक्वायरमेंट है, कौन सा ऐसा बिजनेस है जो ज़्यादा लोग पसंद करेंगे, क्या चीज़, कौन सा प्रोडक्ट हम ऐसा यूज़ करें कि जो है ज़्यादा बिके, उसका ज़्यादा यूज़ हो और हमें प्रॉफिट हो उसके अगेन में, ठीक है। फिर इसमें कई सारे सेक्टर्स होते हैं। खैर प्राइमरी सेक्टर, तो प्राइमरी सेक्टर क्या है, तो फर्स्ट स्टेज होती है ये, विच इन्वॉल्व द एक्सट्रैक्टिंग अ रॉ मटेरियल, जो कि यानी कि जिसमें कि हम कई सारे मटेरियल को इन्वॉल्व करते हैं। सेकेंडरी क्या है, ये सेकेंडरी आपका सेक्टर हो गया जहाँ पे आप रॉ मटेरियल में कौन सारे मैन्युफैक्चर यूज होंगे, कौन कौन से जो मटेरियल आप यूज़ करेंगे उसको फिनिश्ड कैसे करेंगे उस प्रोडक्ट को, ठीक है, वो सेकेंडरी प्रोसेस हो गई। फाइनल क्या है, फाइनल सेक्टर में आप क्या करेंगे, इसमें सर्विस प्रोवाइड करेंगे कस्टमर को कि ये मटेरियल जो है वो कैसे ले, ठीक है। तो ये तीन जो मेन सेक्टर होते हैं उसी के अकॉर्डिंग हम बिजनेस एक्टिविटीज स्टार्ट करते हैं। फिर है नेक्स्ट टाइप ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज, बिजनेस एक्टिविटीज़ के क्या क्या टाइप हैं, ठीक है। तो पहला है सर्विस बिजनेस। सर्विस बिजनेस क्या है, ये जो है इसमें कई सारी कंपनीज एक दूसरे को आइडियाज़ प्रोवाइड करती हैं, फिर उसके बाद अच्छे कस्टमर को वो लोग अपने आइडियाज़ शेयर करती हैं, फिर उनसे कनेक्ट होती हैं, ठीक है। तो ये हमारा सर्विस बिजनेस हो गया। मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस क्या है, इसमें कई सारे हम हैंडमेड चीज़ें बनाते हैं, ठीक है, क्योंकि मैन्युफैक्चर करना है, इट्स मीन्स हम अपने हैंड से रिलेटेड चीज़ें बनाएंगे, फिर उनको सेल करेंगे कस्टमर को, देन उसके बाद अगर कस्टमर को पसंद आता है तो उसके बाद हमारा प्रॉफिट होता है, ठीक है। जैसे हमारे कार हो गए, ट्रक हो गए, ये सारे हमारे मैन्युफैक्चर्स बिजनेस में आ जाएंगे। फिर हाइब्रिड बिजनेस, इसमें क्या है, इसमें ऑपरेशंस फंक्शंस होते हैं, ठीक है। इट मीन्स जैसे कि क्लाइंट के पास कई सारी चीज़ें पहुँचाई जाएँ जिस चीज़ की उसे नीड हो, ठीक है, ऑनलाइन पहुँचा दें हम कोई भी, जैसे ट्रैवल, अब भाई बहुत सारी चीज़ें हैं, अब हम ऑनलाइन भी पहुँचा सकते हैं उसको और ऑनलाइन हम मनी भी ले सकते हैं, तो ये चीज़ हमारी क्या होगी, हाइब्रिड बिजनेस हो गई। जैसे कि आजकल ई कॉमर्स, आपकी ई एजुकेशन ई कॉमर्स चल रहा है ना, ई कॉमर्स में क्या है, ऑनलाइन शॉपिंग हो गया आपका, ठीक है, ऑनलाइन बैंकिंग, ये सारी चीज़ें जो है वो हाइब्रिड बिजनेस के अंडर में आ जाएंगी, ठीक है। टाइप ऑफ बिजनेस फाउंड इन कम्युनिटी, अगर बिजनेस को हम कैसे कम्युनिकेट करेंगे, तो उसके लिए क्या है, आपका सोल प्रोप्रिएटरशिप्स है। इसमें क्या होगा कि इसमें जो बिजनेस होगा वो कोई एक सिंगल पर्सन तो नहीं करेगा, भाई अकेला पर्सन बिजनेस तो नहीं कर सकता, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, कई सारे लोगों की ज़रूरत होगी, तो उसे पार्टनरशिप करनी पड़ेगी, कई लोगों से मिलना पड़ेगा, है ना, ये सारी चीज़ें, तो उसको कई सारे लोगों की ज़रूरत होगी, तो उसके लिए वो कई सारे लोगों को इंक्लूड करेगा। फिर पार्टनरशिप सेम एज वैसे ही कि बिजनेस करने के लिए क्या, दो लोगों से ज़्यादा लोगों की ज़रूरत होती है, फिर उन्हें एग्री करना पड़ता है, उन्हें पैसे देने पड़ते हैं, लेबर वर्क करेंगे, ठीक है, तब जाके हमारी कहीं बिजनेस स्टार्ट होगा। फिर है लिमिटेड पार्टनरशिप। लिमिटेड पार्टनरशिप का मतलब है कि यानी जितने लोगों की हमें ज़रूरत हो उतने ही लोगों को ही हम हायर करें, उससे ज़्यादा लोगों को हायर ना करें, इससे क्या होगा, दिक्कत होगी, अगर मान लीजिए हमें लॉस भी हो गया तो फिर हम उसको कैसे पे करेंगे, है ना। फिर है LLC, लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनीज, इसका मतलब होता है कि ये जो कंपनीज होंगी वो स्पेशल एग्रीमेंट मतलब करवाती है, यानी एक एग्रीमेंट आपसे साइन करवा लेंगे, जब आपको हायर करेंगी उसी के अकॉर्डिंग आपसे वर्क लेंगी। जैसे 1 ईयर का एग्रीमेंट आप कहीं भी वर्क करते हो, 1 ईयर का करा लिया, 6 मंथ का करा लिया, कि इससे पहले आप कंपनी को छोड़ेंगे नहीं, चाहे उन्हें प्रॉफिट हो या लॉस हो, ठीक है। कॉरपोरेशन का मतलब होता है जैसे ये लोकल गवर्नमेंट होती है, ठीक है, इसमें बिजनेस होता है एज अ
आप समझ सकते हैं कि इसमें भी एज अ ऑर्गेनाइज कंपनी कोई भी चीज़ ऑर्गेनाइज करेगी, ठीक है, उसके थ्रू आप प्रॉफिट या लॉस आपको होगा। प्राइवेट कॉरपोरेशन, इसमें प्राइवेट भी प्राइवेट चीज़ें, प्राइवेट वर्क, आप प्राइवेट सेक्टर जानते हैं कि प्राइवेट में क्या चीज़ें होती हैं। आपके लिए श्योर नहीं होता कि आपकी जॉब फिक्स नहीं होती है, आप कभी भी जब भी आप चाहें वो आपको निकाल सकते हैं, रख सकते हैं, ठीक है। पब्लिक कॉरपोरेशन, पब्लिक कॉरपोरेशन का मतलब है कि आप जैसे कहीं पर भी ज्वाइन हो रहे हैं तो वो पब्लिक की जो आपकी कंपनीज होगी वो पब्लिक ही होगी, ठीक है। जैसे कि आपकी बैंक हो गई, ठीक है, RBI, रिजर्व बैंक, SBI, ये सारी क्या है, ये पब्लिक आपकी कॉरपोरेशन हो गई, क्योंकि हम इसमें पब्लिक के लिए ही वर्क करते हैं, बैंक वगैरह में, ठीक है। पोस्ट ऑफिस हो गया आपका, आप वहाँ पे भी पब्लिक के लिए ही वर्क करते हैं, तो ये सारी हमारी पब्लिक कॉरपोरेशंस हो गई हैं, ठीक है। आप इस चैप्टर को अच्छे से रीड करिएगा, देन इसके बाद उसके क्वेश्चन आंसर करिएगा। थैंक यू क्लास।